हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो सुबह की शुरुआत होती है 6:30 बजे और आज डे 24 है ब्लॉगिंग का। देखो, रोज़ तो मैं जूस के ग्लास के साथ दिखती हूँ, बट उसके पीछे की मेहनत जो होती है ना, मैंने सोचा चलो यार आज ये भी दिखाई देते हैं कि जूस हम बनाते कैसे हैं सुबह सुबह। तो ये लिया मैंने ग्राइंडर और ये मैं कर रही थी प्लग, जो कि हो नहीं रहा था मुझसे। फिर मैंने मामी से मांगी छोटी सी हेल्प, जो कि मामी ने ईजिली कर दिया। फिर उसके बाद से मैं सोचती हूँ कि चलो अब ग्राइंडिंग करते हैं, वो भी मुझसे नहीं हो रहा था। फिर मैंने मामी से मांगी हेल्प, जो कि मामी ने कर दिया और मेरा काम हो गया आसान। तो ये निकाला मैंने 5 ग्लास जूस, 3 ग्लास ट्रे में रखा, जो कि नीचे जाते जाते मतलब गार्डन एरिया में जाते जाते 2 ग्लास हो गया था। फिर मैं गार्डन एरिया में 2 ग्लास जूस लेके जाती हूँ और देती हूँ मामा और पापा को। तो ये मैंने मामा पापा को जूस दिया और फिर से मैं वापस आ गई ऊपर। और ये था, अब टी टाइम हो गया था, तो सुबह के 6:30 या 7:30 बजे मैं लेके चलती हूँ चाय पार्क एरिया में और देती हूँ पहले पापा को। तो पापा ने चाय उठाई, फिर ये दिया मामा को चाय, और चाय देने के बाद वापस से जब मैं ऊपर आ रही होती हूँ तो अब आ गई मेरी बारी। तो मेरी शुरुआत हो जाती है ये 1 ग्लास गर्म पानी में हल्दी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और जूस के साथ। उसके बाद करते कराते हो जाते हैं देखो भाई 12:15, ठीक है। तो ये दोपहर का टाइम था और देखो ये चल रही है अभी पैकिंग। बताया था पिछले ब्लॉग में कि किया है एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट, तो बस ये उसी की तैयारी है। तो आ गए थे हमें 2 ऑर्डर्स, तो वही 2 ऑर्डर पैक किया हमने और चलती हूँ फिर ऑफिस की तरफ। तो देखो यार, अगर इस बिजनेस के बारे में स्टार्ट, अभी नया नया स्टार्ट किया है, छोटा मोटा बिजनेस ही कह लो, इसे बिजनेस ही कहेंगे। तो ये निकाला प्रिंट हमने और ये आ गए थे 2 ऑर्डर हमारे, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। अच्छा, इस छोटे मोटे बिजनेस के बारे में ना, यार बिजनेस ही कह लो, हाँ, तो इसके बारे में ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पूरी डिटेल लेके आऊँगी, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो चल रही थी पैकिंग शैकिंग, तो ये 2 पैकेजेस हमारे रेडी हो गए। और फिर ये पैकेज रेडी हो ही रहा था तब तक कॉल आ जाता है फिर से, ठीक है। तो ये रेडी हो गया तो कॉल आ जाता है फिर से हमारे डिलीवरी वाले भैया का कि मैडम आ जाइए, आपका पिकअप है। तो ये दिया हमने भैया को अपनी पैकेजिंग और भैया आ गए। फिर देखो हो जाती है दोपहर के, मुझे लग रहा है 2 या 3 बज रहे थे, हम जा रहे थे भागलपुर। तो ये पहुंच गए हम लोग भागलपुर, कुछ काम था मामा को, तो उसी सिलसिले में हम सब मिलके चले गए भागलपुर, मतलब चले गए नहीं, आ गए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भागलपुर वाले फ्लैट पे जहाँ पे बड़ी वाली मामी रहती है। तो अभी हम आ गए हैं फ्लैट पे और यहाँ पे कुछ देर रहेंगे हम लोग, फिर आ गए फ्लैट पे, फिर यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया और फिर आ जाती है शरदू अपना मिस्ट्री बॉक्स लेके। फिर दिखाती है, देखो मेरे पास ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन है। तो अच्छे खासे कलेक्शन देखने के बाद और शरदू ने बताया मेरे पास ये है वो है। तो यही सब देखते देखते करते कराते हो जाती है फिर से शाम। तो फिर काम मामू का हो गया रहता है, तो फिर से हम लोग अब वापस आ जाते हैं घर की तरफ। तो शाम के 6 बज गए होते हैं घर आते आते। तो देखो हमेशा तो वैसे मैं नीचे का व्यू दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं जा रही थी छत पे, ठीक है। तो मैंने तो देखो छत से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। पहले तो मैं जा रही थी इस तरफ से, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो दूसरी तरफ से चलते हैं। तो ये आ गया हमारा छत और अभी मैं आपको ले चल रही हूँ, चलो खुद ही देख लो यार कहाँ चल रही हूँ मैं आपको लेके। तो ये मैंने किया गेट ओपन, फिर ये आ गया दूसरा गेट और ये आ गया हमारा घर का जिम। तो ये रहा हमारा जिम जहाँ हम कभी नहीं आते हैं। हाँ यार, यहाँ मतलब मैं बोल रही हूँ मैं 15-20 दिन से हूँ और मैं आज आई हूँ 21वें दिन पे इस एरिया में आई हूँ, इस रूम में, जिम वाले रूम में आई हूँ। तो देखो पहले तो बहुत सारे चीज़ें थी, मतलब ट्रेडमिल भी था, साइकिलिंग करने के लिए भी था और ये सारे छोटे मोटे अपने इक्विपमेंट्स सारी चीज़ें थी। तो आज मैं बस आ गई बस आपको ये ब्लॉग दिखाने के लिए, वैसे मैं यहाँ कभी नहीं आती हूँ और जिम तो मैं कभी हम करते भी नहीं है, बस ये ऐसे एक था एक जिम रूम, तो सोचा चलो दिखा देती हूँ। तो ये रहा जिम रूम, सो जिम रूम देख लिया आज आप लोगों ने। चलो फिर कभी जब होम टूर लाने वाली हूँ मैं, तब मैं आप लोग को दिखा दूँगी पूरा व्यू क्या है, ठीक है। तो चलो अब वापस से चलते हैं जिम में बंद करके, ये हो रहा है शाम का टाइम।
और ये रहा अपना छत, जो कि शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, और मैं पहली बार ब्लॉग में शूट भी कर रही हूँ। तो छत से पार्क का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। फिर दिखते हैं अपने चंदा मामा, जिनको हाय बाय करके मैं आ जाती हूँ नीचे। सोचा कि चलो आज वेदू को थोड़ा सा पढ़ाते हैं और क्लास लगाते हैं उनकी। नीचे आती हूँ तो देखती हूँ भाई साहब इनके तो पहले ही लगी पड़ी है। बेचारा बैठे बैठे ही सो रहा था। तो इससे बोला, भाई इसका दुख सब तुम्हारे और मेरे जीवन में क्या ही दुख होगा यार, इस बच्चे से पूछो। अभी इसे टेंशन है कि सुबह 6 बजे सुबह उठ के स्कूल भी जाना है और स्कूल का होमवर्क भी करना है। तो इसका दुख समझते हुए इसे ये बोला कि वेदू कोई बात नहीं, छोड़ दो, होमवर्क कल कर लेना। तो बोलता है, नहीं नहीं दीदी, अगर होमवर्क नहीं करूँगा तो स्कूल में पिटाई पड़ेगी। तो बेचारा अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, अच्छे बच्चों की तरह पूरा होमवर्क करता है और फिर जाके सो जाता है। तो देखो भाई, रियल स्ट्रगल तो इन्हीं के लाइफ में है। और ये रहे हमारे छोटे नवाब, जिन्हें जिनके लाइफ में से मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, तो भाई लाइफ हो तो इनकी तरह हो, देखो मज़े काट रहे हैं। तो चलो यार, आज का दिन बस इतना ही था और बहुत अच्छा था। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आज का दिन भी बहुत अच्छा था। एंड थैंक यू फॉर दोज जो मेरे वीडियोस एंड तक देखते हैं और अपना इतना कीमती टाइम देते हैं। सो ऐसे ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।